हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबका थैंक यू कि आपने मेरे वृंदावन के व्लॉग्स देखे, पसंद किए। होप यू लाइक माय व्लॉग्स। तो चलिए फिर, अब आज ही शिवरात्रि, तो सबसे पहले आपको शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में शिवरात्रि की क्या क्या तैयारियाँ प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं। तो ये है माश, माश पीस के आ चुके हैं। ये भी माश हैं, तो ये बनाएंगे हम भले बड़े, कुछ बड़े बनाएंगे कुछ। अब ये गुनना है मुझे आटा, और मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया काट के, और मेथी, अजवाइन, और डाल दी हल्दी, और अब इसको करेंगे हम मिक्स। बनेंगे हमारे बड़े, मतलब कि भल्ले। हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मंदिर। कौन से मंदिर जा रहे हैं? ऐसे क्यों हिल रहे हैं आप? सबसे पहले डालेंगे हम तेल, तेल को डालेंगे ऐसे करके। क्यों डालते ऐसे? तेल ज़्यादा नहीं जलता? कम जलता तेल, अगर छुरी जी। शुरुआत करते हैं आटे से। ये बन रहे भल्ले उड़द दाल के। अब हद बढ़ लग बाहर होगा। खाजा ये आया जी हमारा, खाजा इसका क्या बनाता है? इसका बनाता है, इसका बनता है शिवजी भगवान के लिए सहरा, सहरा बनता है, सहरा ना सहरा बनाएंगे हम इसका। ये बना रही हूँ हमने बाबर स्टॉक कचौड़ी टाइप, हमारे बोलते हैं इसको बाबर स्टॉक कचौड़ी। इसमें उड़द की स्टफिंग भरी जाती है, पूरा डाल के देखो लाल पूरी। तेल नहीं हुआ गरम, जो मज़ा घर की है उसमें की है ना। उसमें गाइस मैं एक बार अपने हाथों से नहीं बना पाई क्योंकि मैं वृंदावन गई थी, तो बहुत एग्जॉस्ट होती थी, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो ये मैंने फेंक के लाई है, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो तेल होगी। ये हमने पूड़े बनाए हैं मीठे,
ये मैंने मीठे बनाए हैं, ये मैंने बाबर बनाए हैं, ये मैंने बड़े बनाए हैं, और ये मैं शाकाहारी बना रही हूँ लाइक पापड़। तो देखते हैं, ये है हमारी शिवरात्रि की शिवरात्रि का खाना। और ये तो उजड़ नहीं रही भाई, ये तो भाई उजड़ ही नहीं, अब क्या करना। ये तो भाई तेल हुआ कितना, ये सब कुछ बन गया है जी मेरा शिवरात्रि का खाना। मम्मी कहाँ है जी? भगवान के लिए, शिव जी भगवान के लिए, क्या बोलते इसको, सेहरा, शिव जी भगवान का सेहरा। ये होती है किस चीज की होती है पत्तियाँ, इसको हमारे बोलते हैं फाजा, खाजे की पत्तियाँ होती है। तो इसमें नीचे पहले लगाते हैं ये जो बनाए होते हैं बड़े और बाबर, फिर इसको धागे में बनाते हैं, एक वो बनाते हैं इसका धागे में बांधते हैं। इसको बनानी होती है या तीन लगाते हैं या पाँच सात नौ, कितना बनाना होता है आपने छोटा बड़ा। तो हम तो छोटा सा बनाएंगे, तीन उसका भगवान शिव जी का सेहरा होता है। कम कर सोना तीन, गांठ देनी थी साथ साथ, एक में दो पहले गांठ। शिवरात्रि गाने की कोशिश की जा रही है जो कि पता नहीं गलत होगी। ऊपर भी लगा दो, ऊपर भी लगाते हैं यार, ऊपर भी तो लगाते हैं, क्यों लगाते दोनों तरफ लगाते हैं यहाँ लगाओ भाई। ये बन गया जी हमारे शिव जी भगवान के लिए। घी डालते थोड़ा, घी डालना होता है इसके ऊपर रखो। हो रही है हमारी पूजा, तो इसके बाद खाएंगे हम खाना। तो चलिए ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।